लास्ट पार्ट में निकाले थे एक फार्मूला, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए। जैसे कि मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक। अब इसका एक्स इक्वल टू डायरेक्ट निकाले थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा है और सेकेंड रूट बीटा है, तो एक बार इसे प्लस के साथ लिख दो, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी भी लिख सकते हैं, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिवाइड बाई 2a। अब बीटा इक्वल टू माइनस के साथ लिख दो, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, ये अल्फा हुआ, प्लस बीटा, बीटा कितना है? माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। इन दोनों का एलसीएम ले लो, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट डी, माइनस अंडर रूट डी और प्लस अंडर रूट डी, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस बी माइनस बी, ये हो गया माइनस 2b डिवाइड बाई 2a, 2 से 2 कैंसिल, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया माइनस बी बाई ए, ठीक। इसे याद रखना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब इस इक्वेशन में बी क्या है? एक्स का कोफिशियंट, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी वाई 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी वाई 2a। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस बी, यहाँ पे प्लस डी है यहाँ पे माइनस डी। अगर मान लो इसे ए ले लेंगे, ये बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट डी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस डी, अंडर रूट डी का स्क्वायर मतलब डी, डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, ठीक। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, व a से ये 1 कैंसिल, तो ये आ गया c बाई a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a। सी क्या था? कॉन्स्टेंट टर्म। ए क्या था? कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसके अल्फ़ा बीटा रूट है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसे ये क्या है, सम ऑफ रूट, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक, अब इस इक्वेशन में ए से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब माइनस बी बाई ए को अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, सी बाई ए क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। यानी कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट गिवेन होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होगा तो इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो और इसमें रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट हैं अल्फा इक्वल टू टू एंड बीटा इक्वल टू थ्री। ठीक, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, सम ऑफ रूट टू प्लस थ्री फाइव। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, टू इंटू थ्री सिक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया बस। कुछ और देखते हैं इसमें, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवेन है, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। अब हमें निकालना है मान लो वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा। अब ये कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, इसे एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का यहाँ वैल्यू रख दो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस सेवन बाई ए, ए कितना है वन, माइनस सेवन बाई वन डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए ट्वेल्व। इसकी वैल्यू आ गया माइनस सेवन बाई ट्वेल्व। ठीक, अब मान लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होगा तो इसे लिख सकते हैं, इसमें क्या करो, एक काम करो प्लस टू ए बी कर दो, मतलब टू अल्फा इंटू बीटा माइनस टू अल्फा इंटू बीटा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का। तो इसे क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस सेवन, माइनस सेवन का स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा मतलब ट्वेल्व। तो ये कितना आ गया, 49 माइनस 24, 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 2 2, 25 बस हो गया। यानी कि कोई भी अल्फा एंड बीटा में रिलेशन गिवेन हो तो उसे अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मेट में चेंज करेंगे और एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में। ठीक, मान लो कोई भी एक क्यूबिक इक्वेशन अल्फा इस तरह से गिवेन हो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका वैल्यू निकालना,
तो इसे अल्फा प्लस बीटा के टर्म में लिखेंगे और अल्फा इंटू बीटा। अब इसे क्या लिख सकते हो, अल्फा ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए प्लस बी मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अब इसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा। इसे ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा इंटू बीटा आएगा, ये है माइनस टू अल्फा इंटू बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा और यहाँ पे माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखो, आ जाएगा बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश। अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर गिवेन है, वहाँ पे क्वेश्चन को फोटो लो, सेंड कर दो।